उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के बीच आपसी सामंजस्य न होने के कारण प्रदेश में उच्च शिक्षा इन दिनों डगमगाई हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र अंक पत्रों में सुधार, स्पेशल बैंक, परीक्षा परिणाम निर्गत करने की मांग को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान छात्रों और कर्मचारियों के बीच मारपीट भी हुई। इससे गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे और घटना के बाद देहरादून में डीएवी पीजी कॉलेज समेत चार अन्य महाविद्यालयों के छात्र धरने पर बैठे हुए थे। छात्र अपने कॉलेजों की संबद्धता गढ़वाल विश्वविद्यालय से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो आज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रेस वार्ता कर गढ़वाल विश्वविद्यालय का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की छवि गलत तरीके से पेश की जा रही है। डीएवी समेत अन्य चार कॉलेजों ने परीक्षा का बायकॉट किया था, जिसके चलते परीक्षा परिणाम निर्गत करने में देरी हुई। वहीं उन्होंने अंक पत्रों में त्रुटि को लेकर कहा कि डीएवी कॉलेज द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें शिक्षक की गलती के कारण 76 छात्र अनुपस्थित दिखाए गए थे। अब उनके परीक्षा परिणामों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें अनुपस्थित दिखाया तो वो गलत विश्वविद्यालय ने नहीं बल्कि डीएवी कॉलेज ने किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्पष्ट कर दिया कि डीएवी की लापरवाही के कारण ही छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। डीएवी कॉलेज के जो छात्रों ने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो तोड़फोड़ की और जिस तरह की जो दुखद घटना घटी, उसके विषय में सभी जो प्रेस कर्मी हैं उनको एक जानकारी देना, ताकि विश्वविद्यालय का पक्ष भी सामने आए। और ख़ास तौर पे मैं डीएवी कॉलेज की बात करूँगी, हालांकि डीएवी कॉलेज के साथ बाकी और कॉलेज भी थे, जैसे डीबीएस था, एसजीआरआर था, एमकेपी था, इन सब ने उन एग्ज़ाम्स का बायकॉट कर दिया और वो सारी चिट्ठियां हमारे पास मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि हम विंटर ब्रेक में वो एग्ज़ाम नहीं करेंगे। तो पहले हमारी प्रॉब्लम एक ये भी थी कि हमारे पास अभी कोई एक स्थायी कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम नहीं है। तो हमारे जो प्रेजेंट कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम है प्रोफेसर आरसी भट्ट, उन्होंने मई में ही ज्वाइन किया। तो जब उन्होंने मई में ज्वाइन किया तो उन्हें ये पता चला कि जो पिछला सेमेस्टर था, दिसंबर वाला जो होना था, जिसमें कि डीएवी और चार कॉलेजेस ने बायकॉट किया, वो इवेल्यूशन नहीं हुआ। तो उनको उसका इवेल्यूशन भी कराना पड़ा और जो फिर जो एग्ज़ाम जून में हुए उस सेमेस्टर के रिज़ल्ट भी उनको इवेल्यूएट कराने पड़े, तो उससे भी थोड़ा डिले हुआ। फिर यूनिवर्सिटी ने जो बीएससी का जो 6 सेमेस्टर था डीएवी पीजी कॉलेज का, वो 2 सितंबर को निकाल दिया। और इससे पहले डीएवी कॉलेज ने 9/6/2018 को एक 76 स्टूडेंट की एक लिस्ट अपलोड की थी, जिसमें वो स्टूडेंट जूलॉजी के पेपर में एब्सेंट दिखाए गए थे। अब अगर 76 स्टूडेंट वो खुद ही एब्सेंट दिखा रहे हैं, तो अगर उनका रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या यूनिवर्सिटीज के लिए उत्तरदायी है? संवाद 365 के लिए श्रीनगर से कमल किशोर पिंबोली की रिपोर्ट।